हेलो एवरीवन, इट यमशस पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक ऐसी पुलाव की रेसिपी जो कि बनाने में बिल्कुल आसान है, लेकिन ये स्वाद में बिल्कुल बिरयानी जितना दमदार है। तो अगर पुलाव बनाने की मेहनत में अगर बिरयानी के स्वाद वाला पुलाव बनकर के तैयार हो जाए तो फिर सबको खाने में और बनाने वाले को बनाने में मजा ही आ जाए। तो आप भी अपने घर में इस तरह से ये स्पेशल पुलाव एक बार जरूर बनाएं, आप बार बार इसे बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी को गरम करेंगे। देसी घी में सैचुरेटेड फैट होता है और इसमें बना जो पुलाव है वो काफी खिला खिला और अच्छे टेक्सचर का बनता है। आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर नहीं तो आप तेल में भी इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे गर्म होने देंगे और खड़े मसाले ले लेते हैं। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1/2 टीस्पून काली मिर्च के दाने, जिसमें लगभग 15 से 20 काली मिर्च के दाने हैं। एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है मैंने और इसमें 4 से 5 लौंग लेंगे, 2 छोटी वाली हरी इलायची लेंगे, 1 या 2 बड़ी इलायची ले लेंगे। इनका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। पुलाव की खुशबू को और भी बढ़ाने के लिए हम लेंगे 1 स्टार एनीस, जिसे हम चक्री फूल या बादियान का फूल भी कहते हैं, और इसी के साथ हम लेंगे 1 टीस्पून जीरा। अगर जो खड़े मसाले हमने लिए हैं ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं, और जो भी अवेलेबल हो उससे आप इसे बना सकते हैं। तो अब ये सारे खड़े मसाले हम घी में डालेंगे और थोड़ा सा इन्हें भून लेंगे। जीरा को हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे। अब इसमें जीरा डाल देंगे और इसे भी थोड़ा सा घी में फ्राई होने देंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 बड़ी साइज का प्याज। प्याज को हमें इस तरह से लंबा लंबा स्लाइस करके ही इसमें डालना है, क्योंकि अभी प्याज के दाम काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो बिना प्याज के भी इसे बना सकते हैं, या थोड़ा सा प्याज आप इसमें डाल सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। लेकिन जब भी आप बनाएं ये पुलाव तो आप इसमें प्याज अच्छी क्वांटिटी में डालें और अच्छे से इसे फ्राई करें, जिससे पुलाव का स्वाद डबल हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो ये देखिए, प्याज को हमें बहुत अच्छे से भुनना है इस तरह से कि इसका जो कलर है ये चेंज हो जाए। और अभी आप देख रहे हो कि जो प्याज है काफ़ी अच्छे से भुन गए हैं। तो इस टाइम पर इसमें हम डालेंगे ढेर सारा क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन। मैंने यहाँ पर फ्रेश अदरक और लहसुन का इस्तेमाल किया है, और इसे भी हम थोड़ा सा घी में भून लेंगे इस तरह से। अब इस पुलाव के लिए मैंने यहाँ पर ताज़ा मटर के दाने लिए हैं, क्योंकि अभी मटर के सीजन चल रहा है और बहुत ही अच्छे अच्छे ताज़ा हरे हरे मटर मिल रहे हैं। तो लगभग 3/4 मटर के दाने मैंने इसमें डाले हैं। आप अपने हिसाब से थोड़े कम या इससे और भी ज़्यादा मटर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मटर के साथ ही मैंने इसमें 4 हरी मिर्च के टुकड़े डाले हैं, और मैंने 1 टमाटर के थोड़े बड़े टुकड़े कर रखे हैं, तो ये टमाटर के टुकड़े मैं इसमें डाल दूंगी। अब इन सारी चीज़ों को हम लगभग 2 से 3 मिनट के लिए घी में भून लेंगे, जिससे ये थोड़ी थोड़ी सी पक जाएगी। यहाँ पर मैंने फ्रेश वाले ताज़ा मटर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो फ्रोज़न मटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मिर्च आप अपने हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि मिर्च से ही इसमें तीखापन आएगा। और टमाटर के हमें बड़े टुकड़े ही रखने हैं ताकि ये एकदम से घुटे ना इसके अंदर, अच्छे से इसके टुकड़े भी दिखे जब हम खाएँ। तो अब इन सब्जियों को भूनने के बाद इसमें हम चावल डालेंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें 1.5 कप चावल डाल रही हूँ, और पुलाव के लिए हमें अच्छे वाले पक्के बासमती चावल का इस्तेमाल करना है। आप कोई भी ब्रांड के इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने इसमें चावल को भिगोया नहीं है, मैंने सीधा चावल को साफ करके पानी से वॉश करके और इसमें डाल दिया है डायरेक्टली। अब चावल क्योंकि हमने भिगोए नहीं है तो ये जब हम इस तरह से इसे भूनेंगे तो ये टूटेंगे नहीं और काफ़ी अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे घी में। घी में जब हम चावल को थोड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं तो ये जब बनकर आता है तो बहुत ही अच्छे आते हैं। तो काफ़ी केयरफुली हल्के हाथों से हम इसे चम्मच से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसे भून लेंगे जब तक कि इसका जो पानी है वो सूख ना जाए। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है तो उसके हिसाब से हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। और साथ ही में 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, और इसमें और भी ज़्यादा खुशबू लाने के लिए हम डाल देंगे 1.5 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर। आप चाहें तो बिरयानी मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मसालों को भी हल्का सा इसमें मिला लेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप पानी में भिगोई हुई सोया बड़ी, जिसे हम सोया चंक्स या सोया नगेट्स भी कहते हैं, और ये बहुत ईजिली मिल जाती है मार्केट में। तो इसे मैंने सिर्फ पानी में भिगो कर रखा है 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे ये सॉफ्ट होकर के फूल गई है, और फिर इसका पानी निचोड़ करके मैंने इसमें डाल दिया है। सोया बड़ी को मैंने बॉईल नहीं किया है। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए तब इसमें हम डालेंगे पानी। तो मैं इसमें 3 कप पानी डाल रही हूँ।
तो जब भी हम पुलाव बनाते हैं तो जितने चावल लिए जाते हैं उससे डबल क्वांटिटी में पानी डालते हैं। तो 1.5 कप चावल लिए हैं मैंने, तो उस हिसाब से जिस कप से चावल लिए हैं उसी कप से इसमें 3 कप पानी डालेंगे। अब इसमें अच्छी क्वांटिटी में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया। ये खुशबू के लिए और फ्लेवर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और काफ़ी फ्रेशनेस आ जाती है इससे पुलाव में। धनिया के साथ ही इसमें मैं ये अच्छी क्वांटिटी में बारीक कटा हुआ पुदीना भी डाल रही हूँ। तो अच्छे से पानी से वॉश करके हम ताज़ा हरा धनिया और पुदीने की पत्तियाँ इसमें डालेंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे सबसे ज़रूरी चीज़ जिसके बिना इसका स्वाद अधूरा है, और वो है नमक। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून नमक। आप चाहें तो अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा इसमें नमक डाल सकते हैं। एक तो चावल में हम सिर्फ एक ही बार नमक डाल सकते हैं, अगर सही से डाल दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें हम नमक बाद में नहीं ऐड कर सकते। दूसरा, जब तक चावल कच्चे हो तब तक ही हम इसे चम्मच से चला सकते हैं, जब ये पकना स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद हमें इन्हें चम्मच से बिल्कुल नहीं चलाना है, नहीं तो चावल टूटने लग जाएंगे। तो एक बार इन चीज़ों को मिला लेंगे और इसमें अच्छा सा बॉईल आने देंगे। ये देखिए, इस तरह से जब पुलाव में उबाल आने लगे और ये उबलने लगे तब हम गैस फ्लेम को स्लो मीडियम कर देंगे और धीमे आंच पर इसे हम ढक्कन से ढककर पकाएंगे और 10 से 12 मिनट तक इसे इसी तरह से पकने देंगे। बीच में हमें ना तो इसमें चम्मच चलाना है और ना ही इसका ढक्कन हटाना है, तो अच्छे से इसे इसी तरह से पकने देंगे। तो ये पुलाव को हमने 12 मिनट तक अच्छे से पकने दिया है। अब हम गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और 15 मिनट तक इसे इसी तरह से रहने देंगे, जिससे इसके अंदर जितनी भी स्टीम होगी वो चावल अब्सॉर्ब कर लेंगे और हमारे जो चावल है वो एकदम खिले खिले हो जाएंगे। तो इसका ढक्कन अभी नहीं खोलेंगे, 15 मिनट तक इसे इसी तरह से रहने देंगे। तो ये लीजिए, अब 15 मिनट पूरे हो चुके हैं और अब इसका ढक्कन खोलते ही इतनी बढ़िया इसमें से खुशबू आई है कि आप जब बनाएंगे तो आपको ही पता चलेगा। और देखने में ही आप देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है हमारा ये स्पेशल सोया मटर पुलाव। और चावल भी देखिए एकदम खिले खिले बने हैं, ये देखिए, क्योंकि हमने इसे एकदम परफेक्ट तरीके से बनाया है। एक एक दाना इसका अच्छे से खिला खिला बना है, आप देख ही रहे हो। तो ये हमारा पुलाव तैयार है, तो अब जल्दी से इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इस तरह से ये हमारा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सोया मटर पुलाव बनकर तैयार है खाने के लिए। तो आप भी कम मेहनत में बिरयानी के स्वाद वाला ये पुलाव बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। साथ ही साथ अगर आपने मेरी ये रेसिपी इंजॉय की हो, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ईट यम्मी शोज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इसी तरह की रेसिपीज मिलती रहे। साथ ही नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस सोया मटर पुलाव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मी शोज़।